विदिशा जिले के ग्यारसपुर के ग्राम मिंगरवाली में 25 वर्षीय महिला के साथ आज रात्रि में बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर DSP आकांक्षा जैन ने पीड़ित महिला के बयान लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम के 45 वर्षीय व्यक्ति ने अकेला जानकर रात्रि में घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर दूसरे कमरे में सो रहे उसके पति ने चिल्ला छोट सुनकर अंदर देखा तो आरोपी उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसके पति के आ जाने के कारण आरोपी ने भागने की कोशिश की। परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया। सूचना पर 100 डायल टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। विदिशा से प्रेम नारायण सूर्यवंशी के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। ये जो आपके यहाँ पर कल रात्री में आपकी पत्नी के साथ घटना घटी, क्या है पूरा मामला बताएं। सर जी, मैं काम पर गया था तो लेट आया थोड़ा, सुबह की गैया भी आने वाली थी, गैया का बछड़ा होने वाला था, सुबह वहाँ पर सो गया, थके होने के कारण मेरी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद ये चिल्ला नहीं कमरा में सो रही थी, थोड़ी 10-15 मिनट की दूरी पर मैं गया तो वो नारायण सिंह गांधी उसे कपड़े से गलत काम कर रहा था, मैंने चिल्लाया उसमें मार के भगने लगा, नहीं रख मेरे भाई ने पकड़ लिया उसे, 300 नंबर आ गई। जी तो मामला कायम हो चुका है, मामला कायम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जैसे कड़ी सजा मिले, फांसी तो फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। आप न्याय 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 के लिए क्या मांग करते हैं प्रशासन प्रशासन से, क्या क्या सजा मिले उन्हें आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ जितनी कानून सजा दे सके ऐसे याद मौका है, अभी लोगों ने वो ठीक कम है, फांसी को जितनी सजा दे सके, जैसे हम गरीब लोग हैं, मैं कुछ कर ही ना पाएंगे, पैसे फेंक देगा वो तो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं उसके, बताऊँ क्या करें अकेले, अकेले समाज के हम तो उनकी बस्ती। अभी तक का अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की आप उससे संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट हैं साहब, हमको तो कार्रवाई हो गई उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, अब कार्रवाई चल रही, कार्रवाई हो रहा है, बड़े अभी संतुष्ट होंगे। ठीक है, हमारे पास कल ये रात की घटना है, थाना प्रभारी को 10 बजे से 12 बजे के बीच की ये घटना है कल रात की। जैसे ही हमें पता चला कि महिला जब आई अपने पति के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, हमें जिस प्रकार उसने सूचना दी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमने तत्काल आरोपी की खोज में यहाँ से टीम रवाना की और हमने आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया है और हमने आज सुबह मुकदमा पंजीबद्ध किया है 376 और धारा 450 का, और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। और कुछ इसके बाद आगे जो पीड़िता के इस प्रकार के बयान होंगे उसके आधार पर केवल दो ही धारा लगाएंगे, कोई गुंजाइश नहीं है इस केस में? अभी इस केस में जो सबसे बड़ी धारा है वो हमने लगाई है, इसके अलावा अगर हम कई जिस प्रकार जो अपराध हुआ है उसके साथ अगर हम वही लगाते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, अगर हम कोई अन्य धारा लगाएंगे तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम एक मतलब जैसा कि हमारा काम है तो हम एक एक्चुअल कार्रवाई करना चाहते हैं और जिस प्रकार संभव हो तो हम हर प्रयास करेंगे कि पीड़िता के साथ न्याय हो और आगे ऐसी कोई घटनाएँ ना हो, इसके लिए भी हम निरंतर समाज में प्रयास करेंगे और अवेयरनेस फैलाने के भी काम करेंगे। इसके अलावा और कोई पीड़ित ने कोई आपके लिए ऐसी कोई बात बताई कि जिससे कि उनके सामने वाले जो है आरोपी उनके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, कोई बात बताई क्या पीड़ित ने? नहीं, पीड़िता ज़्यादा अभी सदमे से गुजर रही है, क्योंकि कल रात की ही घटना है, जब हम आगे उसके बयान लेंगे तब अगर हमारे समक्ष कोई ऐसी बात आती है तब हम धाराओं में इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनती है, अभी जिस प्रकार पीड़िता ने जो अपने बयान दिए हैं तो अभी की स्थिति में यही दो धाराएं बनती हैं। साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है वो कहाँ पे घटित हुआ है, उसके घर पे हुआ है और किस तरीके से हुआ है? ये जो पूरा घटनाक्रम है ये ग्राम मृगावली में उसके घर में ही घटित हुआ है, जो पीड़िता एक अलग जगह पे सो रही थी और उसका जो पति है वो अलग एक जो गाय उसकी होने वाली थी, गाय का बच्चा होने वाला था, तो वो एक अलग जगह पे सो रहा था, जैसे ही उस पीड़िता ने चिल्लाया तो उसका पति 10-15 फीट की दूरी पे था, तो जैसे ही उसको पता चला तो वैसे ही आरोपी उसको खोला उसने गेट और आरोपी भाग गया। तो आरोपी क्या उसी ग्राम का निवासी है? आरोपी भी उसी ग्राम का निवासी है, मृगावली ग्राम का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।